पूर्व नगर सेवक नारायण पंजाबी ने भाजपा जिला अध्यक्ष जमनादास पुरस्वानी पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में पुरस्वानी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं इनके आरोप प्रति आरोप। 10-15 लोग बैठे थे, वो चर्चा कर रहा था। मैं बोला तुम 10 लाख रुपए मांगते, हमने तो 10 लाख देखा भी नहीं। बोलता यार मैंने मजाक किया। मैं मजाक नहीं किया, तुमने 10 लाख सबके सामने मांगा है। ये 10 लाख है ना जो अपने अंदर छुपा के रखे वो, कि उनको काम आएंगे। आज आपने व्हाट्सएप पे लिखा है कि आपसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी नगर सेवक पद आपके बीवी का बचाने के लिए, तो आपसे किसने डिमांड की थी? जमनोपुर थाने बीजेपी अध्यक्ष उल्लास नगर महानगर पालिका यानी उल्लास नगर जिला। क्या क्या पूरी मांग क्या थी? वो क्या बोलता है, अगर आप लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है आप 10-10 लाख रुपए मुझे देके जाओ, मैं सबका विड्रॉ करता हूँ। ऐसा बोला? कहाँ पे बोला था? इसी सीट पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे इधर किशोर वनवारी बैठा था। हम सब 10-15 नगर सेवक लोग, मैं नहीं हूँ नगर सेवक, 10-15 लोग बैठे थे। वो चर्चा कर रहा था। मैं बोला तुम 10 लाख रुपए मांगते, हमने तो 10 लाख देखा भी नहीं। बोलता यार मैंने मजाक किया। मैं मजाक नहीं किया, तुमने 10 लाख सबके सामने मांगा है। किसने मांगा ये? जमनोपुर थाने। और आज आपने कहाँ प्रवेश किया? भाई हम तो एनसीपी में आए, अभी एनसीपी में आज ज्वाइन किया हूँ वापस, बहुत टाइम के बाद में, क्योंकि मेरी घरवाली बीजेपी की नगर सेवक बनी थी, तो इसीलिए सब लोग मुझे बीजेपी का समझते हैं। मैंने तो कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। तो पहले भी आप एनसीपी में थे, आज फिर से आप एनसीपी में प्रवेश किया? साहब जी मैं आज तक एनसीपी के सिवा कहाँ पर भी चुनाव नहीं लड़ा, उधर एनसीपी में। पहले से एनसीपी में है तो आज फिर से आपने एनसीपी में प्रवेश किया? तो एनसीपी में जीता ना हमने। तो अभी मैडम बीजेपी से राष्ट्रवादी में आ गई है क्या? नहीं अभी वो इस्तीफा देंगे ना हम लोग। अच्छा आने वाले हैं? आने वाले, मेरे घरवाली भी आ गई। दीपा नारायण पंजाबी जो आपकी भाजपा की नगर सेविका थी, आज उनके पति ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया है, तो उनको उस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जो बीवी का नगर सेवक पद है वो बचाने के लिए जमनादास पुरस्वानी ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। आपका क्या कहना है? देखिए मैंने कई बार बोला है, जितने भी नौ नगर सेवक हैं जिन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है उन सबको डिस्क्वालीफाई कराऊँगा। अभी इस प्रकार के आरोप, इतना बोला है, ऐसा बोला है, ऐसा करना होता तो वो हाईकोर्ट भी गए। हमने भी हाईकोर्ट में पिटीशन डाली और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 नवंबर को सबके सब डिस्क्वालीफाई होंगे। ये 10 लाख है ना जो अपने अंदर छुपा के रखे वो, कि उनको काम आएंगे, जो करोड़ों रुपए लेकर के विरोध में काम करते हैं ना, जो पार्टी ने, जो लोगों ने उनको चुन के दिया है, जिन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, जिन्होंने कमल के निशान पर उनको चुन के दिया है, तो ये सिर्फ पार्टी के साथ गद्दारी नहीं है, ये उस जनता के साथ भी गद्दारी है जिन्होंने कमल का निशान देख करके उनको वोट दिया है। और जो इस बात की फालतू बातें करते हैं ना, वो शहर के लोग जानते हैं उनको कि कितने फालतू है। और 30 नवंबर को खबर पड़ जाएगी कि उसके पैसे किधर हैं और किसने पैसे मांग की है। उसको जब डिस्क्वालीफाई दिया जाएगा ना, जब वो पैर पड़ने आता है ना हमको कि हमारा डिस्क्वालीफाई वापस लो, तो सीधे हम उनको रवि चौहान के पास भेजते हैं, हमारे वरिष्ठ के पास, तो उनको 30 नवंबर को हम दिखाएंगे कि किधर हैं आपके पैसे। उन्होंने कहा कि वनवारी साहब के केबिन में बहुत सारे लोग थे, उनके समक्ष आपने 10 लाख रुपए की मांग की है। ये सब फालतू बातें हैं और नारायण पंजाबी को हरेक जानता है कि कितना फालतू बातें, कितनी बकवास की बातें लिखता है, कितनी बकवास की बातें व्हाट्सएप के माध्यम से लिखता है। इन सब बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो ये सब बकवास की बातें ही रह जाएंगी। इसके लिए मैं इनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। 30 नवंबर को आपको जब आदेश आएगा, दीपा नारायण पंजाबी 100% डिस्क्वालीफाई होगी। आपने कहा कि वो 10 लाख रुपए उन्होंने अपने अंदर डाल के रखे, अंदर माने कैसा, जरा खुल के बताइए हमारे दर्शकों को। जहाँ पर उन्होंने विरोध में जो वोट के पैसे लिए हैं, जहाँ पर वो पैसे रखे हैं उसमें वो 10 लाख भी मिला के रखें, तो उनको खबर पड़ेगी कि जनता के साथ धोखा करना कितना उचित है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।